हम आपको सीधे लिए चलते हैं। और भारतीय ज्ञान का अद्भुत और यह अद्वितीय समन्वय है, कोऑर्डिनेशन है, जो पूरी दुनिया से ज्ञान की धारा को इंडियन थॉट में एसिमिलेट करने और इंडियन थॉट से पूरे वर्ल्ड को इनलाइटन करने की कैपेबिलिटी रखता है। विश्व भारती का मोटो यत्र विश्वम भवति एक नीडम, अर्थात यहां संपूर्ण विश्व ही एक नीड है, यानी नेस्ट में निवास करता है, समस्त विश्व के प्रति भारतीय भाव का यह एक्सप्रेशन है। यह टेम्पल ऑफ लर्निंग गुरुदेव के ज्ञान का मूर्त स्वरूप है और उनकी ज्ञान साधना का यह प्रतिफल है। इसलिए अपने फिजिकल फॉर्म में गुरुदेव हमारे बीच भले ही न उपस्थित हो, पर अपने नॉलेज और विजडम के स्वरूप में वह निश्चित रूप से हमारे बीच उपस्थित हैं और आगे भी मेरा विश्वास है वह सदैव हम सबके बीच उपस्थित रहेंगे। साथियों, भारतीय इतिहास में 18वीं सेंचुरी के सेकंड हाफ से लेकर 20वीं सेंचुरी के फर्स्ट हाफ तक एक ऐसा पीरियड रहा है जिसने इंडियन सोसाइटी को एक नई दिशा दी है। इस टाइम पीरियड ने ईश्वरचंद्र विद्यासागर जैसी पर्सनालिटी दी, जिसने नए विचारों वाली शिक्षा के माध्यम से न केवल बंगाल बल्कि पूरे देश में सोशल लिबरल और ऑर्थोडॉक्सीज के खिलाफ आवाज उठाई। और इस पीरियड ने राजा राममोहन राय जैसे पायनियर दिए, जिन्होंने मॉडर्न एजुकेशन के माध्यम से राष्ट्र में एक नई कंसशनेस को जन्म दिया। इन सभी महापुरुषों का स्मरण मैं यहां क्यों कर रहा हूं? इनका स्मरण मैं यहां इसलिए कर रहा हूं क्योंकि गुरुदेव रूपी जो एक विशाल वटवृक्ष भारतीय ज्ञान मन में पल्लवित और पुष्पित हुआ है, उसकी फर्टाइल सॉयल इन्हीं महापुरुषों के द्वारा निर्मित हुई थी। मेरे साथियों, गुरुदेव ने अपने थॉट्स, अपनी फिलॉसफी और वैल्यूज से इंडियन सोसाइटी और पॉलिटिक्स को बहुत गहराई तक प्रभावित किया है और उनसे संबंधित कुछ बातें यहां मैं आपके सामने रखूंगा, शायद वह आपको अच्छी भी लगे। इसमें उनकी पहली मान्यता नेशनलिज्म और यूनिवर्सल ह्यूमनिज्म से जुड़ी हुई है। पूरी दुनिया में आप कहीं पर भी नेशनलिज्म की बात करते हैं, आमतौर पर उसका अर्थ वेस्ट से उपजे नेशनलिज्म से होता है, पर भारत में नेशनलिज्म का सीधा सीधा वही अर्थ नहीं होता। दोनों विचारों में बड़ा अंतर है और वह अंतर है काल का, यानी टाइम स्केल का। इंडियन नेशनलिज्म भारतीय जनमानस में सदियों से एकत्र हो रही एक दूसरे के सुख दुख में सहयोग और कल्याण की भावना पर यह आधारित है। हमारा इंडियन नेशनलिज्म, इंडियन नेशनलिज्म टेरिटोरियल न होकर हमारे यहां कल्चरल है। वेस्ट के नेशनलिज्म में टेरिटोरी यानी भूमि यह पहले है और कॉन्शियसनेस यानी चेतना बाद में, जबकि इंडियन नेशनलिज्म में कॉन्शियसनेस पहले है और टेरिटरी बाद में। भारतीय नेशनलिज्म के फोकस में ह्यूमन वेलफेयर है। इंडियन नेशनलिज्म एक्सक्लूसिव न होकर ऑल इंक्लूसिव है और यूनिवर्सल वेलफेयर से इंस्पायर्ड है। जैसा कि मैंने अभी कहा कि विश्व भारती का सूत्रवाद इसी भाव का एक इंडिकेटर है। साथियों, हमारे देश में कच्छ से कामरूप और काशी से कांची तक एक विशाल कल्चरल टेपेस्ट्री है कि आपको एक सिरा पकड़ते हैं तो उसके साथ दूसरा सिरा अपने आप उभर जाता है। कुजीन से लेकर अटायर तक, फेस्टिवल से लेकर आर्ट्स तक, हर एक चीज में आपको बहुलता या प्लुरलिज्म दिखाई देता है। इंडियन आइडेंटिटी एक सूत्री या लिनियर न होकर या मल्टी लेयर्ड। वेस्ट का नेशनलिज्म एक्सक्लूसिविस्ट, इंपीरियलिस्ट, एक्सप्लॉइटेटिव एंड रिलेटिवली शैलो था। साथियों, वह समय के द्वारा स्वतः निर्मित नहीं हुआ था बल्कि कुछ राजाओं द्वारा अपने आप को शक्तिशाली बनाने के लिए कुछ विशिष्ट पहचान पर आधारित समुदायों को इकट्ठा करके हुआ था। द कंस्ट्रक्शन ऑफ वेस्टर्न नेशनलिज्म वॉज पोलिटिकली ड्रिवन। गुरुदेव ने अपने वेस्ट के नेशनलिज्म का जो स्वरूप देखा था, उसने इंपेरियलिज्म और मिलिटरिज्म को जन्म दिया, जिसका परिणाम वर्ल्ड वार्स की विभीषिका के रूप में हम सभी के सामने आया। ऐसे में जब वह नेशनलिज्म को कंडम कर रहे थे तो वह वेस्ट के एक्सट्रीम नेशनलिज्म को कंडम कर रहे थे
नाजियों के नेशनलिज्म को वह कंडम कर रहे थे जिनके द्वारा मानवता पर लगाया गया कलंक आज भी पूरी तरह मिट नहीं पाया है। इंडियन नेशनलिज्म तो गुरुदेव के वर्ड से ज्यादा उनकी डीड्स में देखा जा सकता है। ब्रिटिशर्स द्वारा जालियांवाला बाग हत्याकांड के बाद अपनी प्रेस्टीजियस नाइटहुड की उपाधि वापस कर देना इसका एक सबसे बड़ा प्रमाण है। साथियों, जिस समय देश में गुरुदेव जैसा महान फिलासफर और स्कॉलर भारत की चिंतन पद्धति यानी थॉट सिस्टम को प्रभावित कर रहा था, उसी समय देश के और भी अनेक फिलासफर्स और थिंकर्स अपने सिद्धांतों और मान्यताओं से देश की थॉट सिस्टम को प्रभावित कर रहे थे। हालांकि अनेक ऐसे थिंकर्स थे जो कंटेम्पररी रियलिटी के अनुरूप राष्ट्र को दिशा दे रहे थे, पर इतिहास की कसौटी पर परख कर आप देखेंगे, आप गुरुदेव अपने कंटेम्पररी थिंकर्स से कहीं आगे और फार साइडेड साबित हुए। इसका एक दो उदाहरण मैं आप लोगों के सामने यहां रखना चाहूंगा। उस समय के कुछ इंडियन पॉलिटिकल लीडर्स मॉडर्न इंडस्ट्रियल सिस्टम मशीनरी के उपयोग को लेकर बड़े ही कासस थे। उन्हें लगता था कि जिस प्रकार से ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन का सहारा लेकर आम जनता को एक्सप्लॉयट किया है, वैसे ही हम अपने देश में इस सिस्टम को जारी रखेंगे तो पुनः वही परिस्थितियां बार बार दोहराई जाएंगी। लेकिन इसके विपरीत गुरुदेव इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एवं मॉडर्न साइंस एंड टेक्नोलॉजी के वह पक्ष में थे। वे चाहते थे कि राष्ट्र के विकास के लिए इनको बढ़ावा मिले। हो सकता है कि पहले वाले थिंकर्स के विचार उस समय के सर्कमस्टांसेस के अनुरूप सही रहे हों, लेकिन वर्तमान समय के अनुसार गुरुदेव के विचार अधिक रेलिवेंट दिखाई देते हैं। उनका मानना था कि स्वतंत्रता के पश्चात भारत को आगे ले जाना हमारा एक महत्वपूर्ण उद्देश्य होना चाहिए और इसलिए देश को साइंस एंड टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में आगे ले जाना और इंडस्ट्रीज की भी स्थापना करना यह अति आवश्यक है। आज जब हमारा देश प्रगति के राह पर आगे बढ़ रहा है, देश के साइंस एंड टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में नए नए स्टैंडर्ड्स स्थापित कर दुनिया भर में अपनी भाग जमा रहा है, मेक इन इंडिया से होते हुए मेक फॉर द वर्ल्ड की राह पर आगे बढ़ रहा है, तो निश्चित रूप से यह गुरुदेव के विजन का परिणाम है और हम इसी तरह से आगे बढ़ते रहे। मेरे साथियों, वह दिन दूर नहीं जब हमारा भारत दुनिया की टॉप मोस्ट इकोनॉमीज में से एक होगा। हमारा देश दुनिया की फिफ्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी के रूप में लगातार आगे बढ़ रहा है। आप सभी ने हाल ही में मॉर्गन स्टेनले की रिपोर्ट देखी होगी। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि अगले 4-5 साल में हमारे देश की इकॉनमी दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी इकॉनमी, थर्ड लार्जेस्ट इकॉनमी होने वाली है। मैं कह सकता हूं यह तो अभी शुरुआत है मेरे साथियों। मुझे उम्मीद है कि 2047 आते हमारा देश थर्ड या सेकंड नहीं बल्कि वर्ल्ड की टॉप इकॉनमी के रूप में इमर्ज होकर आएगा और यह अचीवमेंट गुरुदेव को एक सच्ची श्रद्धांजलि होगी, ऐसा मेरा मानना है। साथियों, इसी तरह प्राइमेसी या पॉलिटिक्स ओवर सोसाइटी, प्राइमेसी या पॉलिटिक्स ओवर सोसाइटी और वाइस वर्सा को लेकर भी गुरुदेव और उनके कंटेम्पररी थिंकर्स में भी मतभेद था, जिसकी चर्चा यहां मैं आवश्यक समझता हूं। कुछ थिंकर्स पॉलिटिकल स्ट्रक्चर्स और आइडियाज को ज्यादा महत्व देते थे, जबकि गुरुदेव सोशल स्ट्रक्चर्स और इंस्टीट्यूशंस को अधिक महत्व देते थे। उन थिंकर्स का मानना था कि पॉलिटिकल प्रोग्रेस सोशल प्रोग्रेस के आगे चलती है, यानी देश में यदि राजनीतिक व्यवस्था उचित होगी, लोगों को अपने राइट्स और ड्यूटीज का बोध होगा, अथॉरिटी का डिसेंट्रलाइजेशन होगा, तो सोसाइटी में अपने आप प्रोग्रेस होगी। जबकि गुरुदेव का मानना था कि जब तक हमारा सोशल ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होता, सोशल एम्पावरमेंट हमारा नहीं होता, हमारे समाज के एविल्स, ऑर्थोडॉक्सी और सुपरस्टिशंस नहीं मिटते हैं, वे वीमेन एम्पावर्ड नहीं होती हैं, तब तक हमारा देश आगे नहीं बढ़ सकता। तो अभी आप ये सीधी तस्वीरें देख रहे थे शांति निकेतन से, जहां भाजपा के वरिष्ठ नेता और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह विश्व भारती विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह को संबोधित कर रहे थे। रुकें एक छोटे से ब्रेक के लिए और इसके साथ ही आज के एजेंडा के इस अंक में बस इतना ही। हमें दीजिए अनुमति। नमस्कार।